यह कार्यक्रम एक नए भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को साकार करने वाला कार्यक्रम है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के उनके संकल्पों के साथ हम सबको जोड़ता है। आपने देखा होगा विगत 5 वर्ष के दौरान देश के अंदर क्रमिक रूप से जितने भी कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, विभाग अलग हो सकते हैं, उनके मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक थी, लक्ष्य सबका एक था और वो लक्ष्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। हमारा देश सशक्त और श्रेष्ठ कब बनेगा? जब भारत का हर नागरिक, हर नर हर नारी, हर बच्चा हर जवान स्वयं में स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ रहने की पहली प्रारंभिक इकाई शुरू होती है स्वच्छता से। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, उसका एक जन आंदोलन बनना उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पोषण मिशन का शुभारंभ किया था। कुपोषण के खिलाफ जंग गर्भवती महिला हो या फिर प्रारंभिक 2 वर्ष में नवजात शिशु की उचित देखभाल करने के लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। जिस देश का बचपन ही कमजोर हो, जिस देश का बचपन ही कुपोषण का शिकार हो, उस देश के जवानी और उस देश के आगे के भविष्य के बारे में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और इसलिए ये लड़ाई केवल एक विभाग की नहीं, एक समन्वित प्रयास, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का और उस कार्यक्रम को आज हम लोग इस राष्ट्रीय पोषण माह के कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। योजनाएं सरकार की पहले से हैं, उन योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन होना और जो वास्तव में इसके पात्र हैं उन पात्रों तक शासन की उन योजनाओं को पहुंचा देना। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।